एक दिन मेरे पत्नी ने खाना खाते समय मुझे कहा कि पानी से हाइड्रोजन तैयार होगा और हाइड्रोजन से गाड़ियाँ चलती हैं, ऐसा आप बोलते हो, मैंने सुना यूट्यूब पर। अब मेरा ही विश्वास नहीं बैठता तो दुनिया का क्या विश्वास आपके ऊपर बैठता। तो मैंने तुरंत उसी समय विक्रम किर्लोस्कर को फ़ोन किया और मैंने कहा ये हाइड्रोजन वाली गाड़ी मुझे चाहिए। बोले नितिन जी ये तो यहाँ नहीं बनती। मतलब कहाँ बनती क्या बनती मुझे मालूम नहीं, तुम लाओ। 14 साल ये जो अनेक, मैं ब्राज़ील में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब मुझे भेजा था राम नाईक जी के साथ, तब देख के आया। बताते बताते मेरी 15-20 साल की तो ज़िंदगी इसको मार्केटिंग करने में और कन्विंस करने में चली गई। आने वाले समय में इकोनॉमिक वायबिलिटी के हिसाब से बहुत अच्छा फ्यूचर है। मैं 2004 से बोल रहा हूँ। पहले लोग तो पागल ही समझते थे, जो बोलते थे तो ये क्या बोल रहे, कैसे होगा, ये कुछ भी बोल रहे, ऐसा बोलते थे। फिर अभी धीरे धीरे अब लोग विश्वास रखने लगे। फिर मैंने एक बार विक्रम किर्लोस्कर CII के चेयरमैन थे, जो टोयोटो के चेयरमैन थे, बेचारे उनका देहांत हो गया। एक दिन मेरे पत्नी ने खाना खाते समय मुझे कहा कि पानी से हाइड्रोजन तैयार होगा और हाइड्रोजन से गाड़ियाँ चलती हैं, ऐसा आप बोलते हो, मैंने सुना यूट्यूब पर। अब मेरा ही विश्वास नहीं बैठता तो दुनिया का क्या विश्वास आपके ऊपर बैठने वाला। तब मुझे ध्यान में आया कि मामला गंभीर है। तो मैंने तुरंत उसी समय विक्रम किर्लोस्कर को फ़ोन किया और मैंने कहा ये हाइड्रोजन वाली गाड़ी मुझे चाहिए। बोले नितिन जी ये तो यहाँ नहीं बनती। मतलब कहाँ बनती क्या बनती मुझे मालूम नहीं, तुम लाओ। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने वो मेरी गाड़ी ला के दी। अब फ्लेक्स इंजन की नागपुर में, और मैं प्रचार करता हूँ कि देखो ये चल सकता है, क्योंकि आउट ऑफ बॉक्स किसी बात पर विश्वास रखने के लिए सिस्टम में भी लोग तैयार नहीं होते और बाहर के भी लोग तैयार नहीं होते, उसको समय लगता है। अब सबको पता चल गया, अभी मुझे कोई कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। पर ये 14 साल ये जो अनेक, मैं ब्राज़ील में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब मुझे भेजा था राम नाईक जी के साथ, तब देख के आया। बताते बताते मेरी 15-20 साल की तो ज़िंदगी इसको मार्केटिंग करने में और कन्विंस करने में चली गई। तो ये आज वो स्थिति नहीं रही। आज CII वालों तो ज़्यादा होशियार लोग हैं, बिजनेस में काम करते हैं, उनको बराबर समझता है कि कहाँ पैसा है कहाँ नहीं है। आप जैसे कौन, इससे अच्छे कौन होंगे कि आपके, आप तो स्मेल से जान लेते इकोनॉमिक वायबिलिटी कहाँ है, आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब धीरे धीरे लोगों को ध्यान में आया। और मैं इसलिए कहता हूँ कि देश का प्रदूषण नष्ट हो वगैरह ये काम हमारा है, हम करेंगे, वो तो आप करते हैं तो अच्छी बात है, पर इकोनॉमिक वायबिलिटी है बहुत सी। 22 लाख करोड़ का इम्पोर्ट है, कितनी कोशिश करोगे तो कभी। ये अभी मुझे लोग पूछते हैं तुम इलेक्ट्रिक की भी बात करते, इथेनॉल की बात करते, मिथेनॉल की बात करते, CNG की बात करते, हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो मैंने उनको कहा इसका सही उत्तर बताऊं, इतना सब होने के बाद में भी ये इम्पोर्ट कितना कम होगा अभी भी मुझे डर लगता है। यानी इतना पटक पटक के भी बायोफ्यूल की इकोनॉमी अभी भी 2 लाख करोड़ के ऊपर नहीं गई और इम्पोर्ट है 22 लाख करोड़ का, यानी 11 गुना है। और इतना कितना भी हम करेंगे तो भी ह्यूज पोटेंशियल है। डिमांड एंड सप्लाई के इसमें डिमांड बहुत ज़्यादा है और आपका जो अल्टरनेटिव प्रोडक्ट है वो सस्ता है, पोल्यूशन फ्री है, इंडिजीनियस है, किसानों के लिए हेल्पफुल है, युवाओं को रोजगार देने वाला है और देश की ग्रोथ को बढ़ाने वाला है और आपको कमाई देने वाला है। तो ये मुझे लगता है ये विन विन सिचुएशन है। और इसलिए अलग अलग इसमें 3 सेक्टर में आप इसका थोड़ा और डिटेल अध्ययन करिए। आज आप जैसे बायोफ्यूल पे किया है, पहली बात आप ट्रांसपोर्ट ऑफ बायोमास, इसी पे एक बार बहुत अच्छी तरीके से लोगों को बुलाइए ताकि हमारे देश में राइस स्ट्रॉ, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, सोयाबीन स्ट्रॉ, बगास, इसका अभी बगास से हम लोग बिजली तैयार करते हैं, पैसे नहीं मिलते स्टेट गवर्नमेंट में, 3-3 महीने पैसे नहीं मिलते। इधर तो CNG बना, पंप पे गया तुरंत मिल जाएगा। मेरी आग्रह पर महिंद्र ने CNG का ट्रैक्टर बनाया, वो जो अभी ट्रैक्टर में हमारे यूरो 6 के इमिशन नॉर्म्स लागू करना कि नहीं करना, मेरे पास फाइल पड़ी है,
ये सब लोग आए मेरे पास ट्रैक्टर कंपनी वाले, साहब ये करोगे तो ट्रैक्टर लाख सवा लाख रुपए से महंगा हो जाएगा। मैंने बोला यूरो 6 इमिशन नॉर्म तो सबको लग गए, ऑटो ऑयल इंडस्ट्री को लग गए, और तुम अगर नहीं लगाओगे तो ये प्रदूषण के हिसाब से तो आवश्यक है। तो बोला, मैंने बोला एक काम करो, मैं ये नहीं करता, मेरी कंडीशन है। बोले क्या? मैंने बोला इलेक्ट्रिक पर, इथेनॉल पर, फ्लेक्स इंजन का, मिथेनॉल पर और सीएनजी पर के ट्रैक्टर मार्केट में लॉन्च करो। अगर तुम ये लॉन्च करोगे तो मैं यूरो 6 के इमिशन नॉर्म नहीं लाऊंगा, और तुमने ये लॉन्च नहीं किया तो मैं टपका दूंगा, साइन लगा के निकाल दूंगा, आपको देखो तय करना है क्या है। तो अब उनका सीएनजी का ट्रैक्टर आया उधर, उसको सिलेंडर शायद 2 या 4 लगा है, मेरे पास सीएनजी का ट्रैक्टर है, तो 1 से 1.5 लाख रुपए साल की किसान की बचत है, क्योंकि सीएनजी सस्ता है, डीजल महंगा है। अब धीरे धीरे पाइपलाइन से भी सीएनजी जा रहा है, पर वो इम्पोर्टेड है। हमारे यहाँ एलएनजी के पंप मैंने शुरू करा है बैद्यनाथ कंपनी को, मैं कंसल्टेंट हूँ उनका, और जब पंप शुरू किए तो अभी उनके 5 हो गए, अभी ग्वालियर में जा रहे, सब रोड पे डाल रहे वो। और फिर मैंने उनको कहा तुम्हारी एनबीएफसी है वहाँ, मैंने बोला तुम एक काम करो, तुम 500 ट्रक वालों से कॉन्टैक्ट करके एलएनजी के ट्रक का कॉन्ट्रैक्ट करो, और इधर तुम अपना फाइनेंस कर दो। तो उन्होंने अभी आयशर वॉल्वो के साथ जॉइंट वेंचर किया और 250 ट्रक खरीद लिए, और वहाँ उनके अभी 2 पंप बढ़िया चल रहे हैं, अच्छी कमाई हो रही। और एलएनजी में 100 रुपये का डीजल जहाँ लगता है, वहाँ 40 रुपये का एलएनजी लगता है और 50 रुपये का सीएनजी लगता है। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट वर्ल्ड में हमारी हाईएस्ट है, 14% है। और मेरा विश्वास है कि जिस दिन रोड अच्छे बन रहे हैं उस दिन फ्यूल भी चेंज हो गई, इलेक्ट्रिक सीएनजी एलएनजी और इथेनॉल ये आ जाएगी, और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 9% पे आ जाएगी, सिंगल डिजिट पर, क्योंकि फ्यूल में एकदम कॉस्ट डिफरेंस है। और इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये इकोनॉमिकली वायबल है, प्रॉफिट मेकिंग है। ये बात अलग है कि देश के प्रदूषण को कम करता है, किसानों को फायदा करता है, ये सब बातें हैं, ये हमारे लिए भी महत्वपूर्ण, आपके लिए भी है। पर अगर जब ये प्रॉफिट मेकिंग है तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों हेजिटेट करते हो?